इस्म या मजीदू के फ़ायदे। अगर किसी शख्स को यह गुमान हो कि वो जिल्लत या रुसवाई का सामना उसको करना होगा, चाहे ये जिल्लत किसी भी वजह से हो, किसी की अमानत रखी थी वो खर्च हो चुकी हो, या मालदार था अब गरीब हो चुका हो, या शादियां करनी हो और अचानक से गुर्बत आ गई हो, शादी का लोगों में नौते पहुंच चुके हों, इस तरह से जिल्लत का सामना हो, या फिर नौकरी जाने का अंदेशा हो, या नौकरी से निकाल दिए जाने की जिल्लत या डर हो, ख्वा किसी भी तरीके से जिसको भी अपनी रुसवाई का सामना होने का यकीन हो, अपनी किसी भी वजह से इज्जत जाने का ख़तरा हो, उसको चाहिए कि कसरत के साथ या मजीदू या मजीदू या मजीदू का विर्द करे, हर नमाज में पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला वापस उसी मनसब पर फाइज होगा। यानी जो चीज़ जा चुकी है अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसकी इज्जत को बहाल रखेगा। किसी दुश्मन से खौफ हो जिसकी वजह से इज्जत जाने का ख़तरा हो तो भी इंशाअल्लाह ताला इस विर्द को करे तो अपने मनसब पर बहाल होगा। अगर कोई शख्स गर्मियों से प्यास से गर्मियों में प्यास की शिद्दत से परेशान हो तो इस्म या मजीदू को पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला गर्मी और प्यास से महफूज रहेगा। खुसूसन गर्मियों के रोज़े में इसका विर्द हर नमाज के बाद किया जा सकता है। सवाब की नीयत से शेयर करें और वजीफ़ों के लिए विज़िट करें वजीफ़ा.smsfarsi.com।